पूनिया जी ने बताया आपको कि 2 अक्टूबर से गांधी संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये जो यात्रा है ये गांधीयन थॉट को कैसे हम जन जन तक पहुंचाएं, ये एक बड़ा विषय रहने वाला है। हमारे देश में जो पार्टी ने तय किया है आज 3,229 एमपी, एमएलए, जिला प्रमुख, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी है, ये सब लोग पद यात्रा में सम्मिलित होंगे गांधी संकल्प यात्रा में। ये 31 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें प्रत्येक और विशेष रूप से सांसद इसका नेतृत्व करेंगे। जहां सांसद नहीं है वहां पार्टी का जिला अध्यक्ष उनका नेतृत्व करेंगे। मिनिमम 5 किलोमीटर तो चलना ही होगा, 10 किलोमीटर चल सकते हैं। ये 15 दिन की एक पद यात्रा है गांधी 150 के अवसर पर। 150 किलोमीटर चलना, यात्रा के दौरान 150 पेड़ लगाना, ऐसे कई कार्यक्रम हम हाथ में लेंगे। खादी का प्रयोग उसमें सम्मिलित है, स्वच्छता सम्मिलित है, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना, ये सारे काम इस दौरान होंगे। दूसरा जो विषय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे कहा वो निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने आपके सामने प्रेस के सामने 6 बार आकर के और पैकेज घोषित किए, उनका हम संकलन करके उनको भी हम जनता तक पहुंचाएंगे। इसमें आप देखेंगे कॉरपोरेट टैक्स ये 10% कम हुआ है सब। ये आपका ऐसा निर्णय है कि आसपास के जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें सबसे कम टैक्स हो गया इंडिया में। तो जो चाइना और यूएस की तनातनी है ट्रेड को लेकर के, और कुछ कंपनियां देखती है कि हम किधर जाएं, कहां हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा, तो उसमें इंडिया एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण जो निर्णय है और उससे जो जनता को लाभ होने वाला है। कई बार लोग सोचते हैं साहब इससे हमें क्या लाभ होगा, 1.45 लाख करोड़ की रियायत दी है प्रतिवर्ष, 1.45 लाख करोड़ की रियायत, ये कोई छोटी रियायत दी नहीं है इसमें, इस पीरियड में। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स का विषय भी है, आपका आईटी में 29% से 17% तक करना इनकम टैक्स, और ये जो विषय है इनको भी हम इस पीरियड में जनता तक ले जाएंगे। हम बैंकों को हमने कहा है कि बार बार एक विषय आता है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को लेकर के, तो हम 200 स्थानों पर पूरे देश में बैंकों के माध्यम से एक प्रोग्राम करें।